नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। PBR स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का एकदम आपको पूरा सोल्यूशन घोल कर पिला देने वाले हैं। अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मिस ना करिएगा। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देते होंगे, चाहे UPSC का हो, चाहे UP पुलिस का हो, SSC का हो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के, सामान्य ज्ञान के, उसको आप मिस कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आधुनिक कंप्यूटर के पिता जो हैं चार्ल्स बेबेज हैं, इनको आप कई जगह मिस कर जाते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, इस तरह से हम बहुत सारे सवाल आपको दिखाएंगे। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर इसका हिंदी नाम बोलें तो क्या है, जानते हो आप सभी। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, और कंप्यूटर के जो पिता हैं, कंप्यूटर के जिन्होंने खोज किया, उनका नाम क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तीसरा, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, पता है आपको, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है बहुत से एग्जाम में, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था, भारत में बहुत सारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसमें से जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। उसके आगे अगर बात करें कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क, तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट में आप देखते होंगे दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, आपस में वर्क करते हैं, है ना। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो प्रथम कंप्यूटर है वो कहाँ पर प्रयोग किया गया था, तो उसका नाम है बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में भारत का सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया था। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था, जब इंटरनेट की खोज हुई। पहले इंटरनेट नहीं था, जो आज आप लोग चुपके से चैटिंग कर लेते हो व्हाट्सएप पे ना, फेसबुक पर, ये पहले इंटरनेट नहीं था तो नहीं हो पाता था। तो इसका सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की एक प्रकार से सेना के द्वारा किया गया, और ये रक्षा मंत्रालय में, यानी कि रक्षा अनुसंधान में हुआ। और आगे अगर बात करें, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो IC चिप्स जो है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत जगह पूछा जाता है कि कंप्यूटर में बना जो IC होता है, जैसे कहते हैं IC उड़ गया। IC का मतलब, जैसे आप जानते होंगे, कोई भी अगर मशीन है उसका एक जो मुख्य पैनल होता है IC होता है। जैसे आप जानते हैं मोबाइल का IC ख़राब हो गया, तो IC ख़राब हो जाने के बाद उसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप नहीं चला सकते हैं, तो ये बहुत ही मुख्य चीज़ होता है कंप्यूटर का, ये सिलिकॉन का बना होता है। और अगर आगे बात करें कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर भारत का बेंगलुरु है, अपना बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा CPU के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, एकमात्र स्क्रीन सी रह जाती है, मतलब उसका जी जान, मस्तिष्क, दिल, हृदय, सब कुछ क्या होता है, CPU होता है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने अपने कंप्यूटर में 10 मूवी रखा हुआ है, मतलब 10 पिक्चर रखा हुआ है, और उसके बाद आप CPU उसमें से निकाल दीजिए, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाएगा, ना कुछ खुलेगा, उसमें कुछ भी होगा ही नहीं, एक प्रकार से बस इतना जान लो, एकदम वो सीधा सीधा सादी स्क्रीन बन जाएगा। तो बस इतना जान लीजिए इसको, इसका क्या कहा जाता है, CPU को जो है उसका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। आपसे कई बार पूछा जाता है, जैसे आपने कोई सवाल हल किया, उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हो, तो कहाँ सेव होगा, वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होगा। IC का अगर पूर्ण रूप पूछे, आपसे पूछा जाता है बहुत जगह, CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, IC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो IC को बोलते हैं इंटरग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेटेड सर्किट, मतलब IC। पूरा वीडियो देखना, अभी भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पूरा देखोगे तो आप कभी ना भूलोगे कंप्यूटर के कोई भी सवाल। अगर आप CCC कर रहे हो, ओ लेवल का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप SSC, बैंक, रेलवे या फिर UPSC का एग्जाम देने वाले हो, तो सामान्य ज्ञान में ये पूछा जाता है और आप उसी में अटक जाते हो बाबू, इसलिए पूरा देखना, भागना मत। देखिए, यहाँ पर कुछ ट्रेन वगैरह का शोरगुल तो आपको सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर हम बात करें IBM का, तो IBM का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मतलब आप जान गए होंगे, IBM को बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके अलावा अगर आप कोई इंटरनेट का एड्रेस लिखते हो, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है www. जैसे pvrstudy.com आप लिखेंगे तो क्या होता है, www लगाना पड़ता है। www का अगर पूरा फॉर्म आपसे पूछा जाए, जिसे बोलते हैं फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे लैन, लैन आपने देखा होगा,
लैन का जो पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में जो पोर्ट होता है ना, कहते हैं लैन का पोर्ट नहीं। जैसे कि अभी पीवीआर स्टडी में हमने वाईफाई लगवाया था, तो जो हमने डेल का लैपटॉप लिया था उसमें लैन पोर्ट नहीं था। लैन का मतलब होता है जो इंटरनेट की केबल आती है अगर आपके वाईफाई डिवाइस से, तो आके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपके डायरेक्ट लग जाती है, उसी को लैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लैन बोलते हैं मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो आपके लोकल में है उसका नेटवर्क आप केबल के माध्यम से जोड़ सकते हो। अगर वैन की बात करें, वैन का फुल रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है वो कहीं से भी आ सकता है, मतलब बाहर से कहीं का भी नेटवर्क हो सकता है, और ये नेटवर्क किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे वैन, अगर आप वो देखे हो जिसे बोलते हैं वाईफाई पकड़ाते हैं, अगर केबल वगैरह लगवाइए तो एक मॉडम की तरह आता है, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें वाईफाई का सुविधा देता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। रैम की बात करें, आप मोबाइल लेने जाते हो, कंप्यूटर लेने जाते हो, तो बोलते हो भाई कितना रैम है, कितना रैम है मोबाइल का? हमारे मोबाइल का रैम 1 GB है, 2 GB है। तो रैम का पूरा मतलब होता है रैंडम एक्सिस मेमोरी। रैंडम एक्सिस मेमोरी का मतलब होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जिस पर रन करता है। जैसे अगर आपके फ़ोन में 25 एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया और आपका फ़ोन का जो रैम है वो मात्र 1 GB का है, तो आप क्या करोगे बताओ? सोचिए, हैंग करने लगेगा, वो नहीं रिस्पॉन्स करेगा, चूँकि उसका जो साइज है 1 GB है अगर आपके फ़ोन का, तो आप 25 ऐप्स कैसे रख पाओगे? उसमें दौड़ नहीं पाएगा वो, चूँकि हर एक ऐप्स जो है वो प्रोसेसिंग करता है। अगर आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करते हो तो क्या होगा? व्हाट्सएप जो है वो क्या करेगा, पहले प्रोसेसिंग करेगा तब ओपन होता है, तो वो रैम पर डिपेंड करता है। रोम होता है इसके अपोजिट, एक होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी उसका जस्ट अलग होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सीडी की, तो सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और अगर उसके आगे बात करें वीडीयू का, तो वीडीयू का पूर्ण रूप होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी प्रकार से मॉनिटर से रिलेटेड होता है। मॉनिटर मतलब जिसमें आप कोई भी तस्वीर देख पाते हो, जैसे अगर आप मूवी चलाते होगे, पिक्चर चलाते होगे, तो उस पर आता है ना, उसी को बोलते हैं। और आगे अगर बात करें HTML की, तो HTML क्या होता है? देखो HTML का पूरा रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपने देखा होगा लिंक होती है, HTML कहते हैं, हमें HTML लिंक चाहिए। जैसे कुछ वेबसाइटें HTML लिंक पर बनती हैं, कुछ अलग अलग लिंक पर बनती हैं, तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। उसके आगे अगर बात करें HTTP का, तो HTTP का पूर्ण रूप जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये CCC वालों के लिए तो एकदम संजीवनी है बाबू, याद रखना, बोलना मत कभी। ALU मतलब कुछ और मत समझना। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ALU बोलते हैं। अर्थमेट की स्पेलिंग होगी ARTH से स्टार्ट होगी, ठीक ना। उसके आगे अगर बात करें CPU का, तो CPU का आपने देख ही लिया, अभी पहले मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CU का अगर बात करें, तो CU को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्ण रूप कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्लीट फॉर्म ऑफ कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU। अगर कोबोल का पूर्ण रूप देखें तो होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अलावा अगर DOC की बात करें, तो DOC का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग, और आगे भी अभी हम आपको दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बस देखते रहिए। सिस्टम यानी कि DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आगे भी देखते जाइएगा। ईमेल आपने सुना होगा, ईमेल आप लोग भेजते भी हो बहुत बार, और आप एक मेल लिखकर भेजते हो लेकिन कभी सोच नहीं पाते हो ईमेल का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? मेल का मतलब तो मेल होता है, मेल मतलब वो हाथ की मेल नहीं, मेल का मतलब जैसे आप कोई चीज़ भेजते हो भाई, कहते हो मेल कर दो ना, तो उसका मतलब उतना ही होता है। और इसमें से अगर ई निकाल दो, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि जो आप इंटरनेट के माध्यम से भेजते हो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ जगह पर फैक्स की सुविधा उपलब्ध होती है, जैसे आप कोई चीज़ को फैक्स कर सकते हो, तो फैक्स का पूर्ण रूप होता है फार अवे झेरोक्स होता है। क्या होता है? फार अवे झेरोक्स। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं, तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। जैसे आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा कि कंप्यूटर को शट डाउन कर दो, है ना, कंप्यूटर को शट डाउन कर दो सुना होगा, लेकिन कंप्यूटर को ऑन करने को लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर चालू कर दो, ऑन कर दो, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता बूट अप कर दो। तो साथियों याद रखिएगा, बूट अप होता है, कंप्यूटर को ऑन करना बूट अप कहलाता है। इसके आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको PBR स्टडी को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा,
भूलिएगा मत, आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग भूल जाते हो, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। तो साथियों, मॉनिटर को VDU के नाम से भी जाने जाते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड मतलब जो सामान्यता कीबोर्ड होती है कंप्यूटर की। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। बाइनरी नंबर में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा था बाइनरी नंबर 12th में, तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़ा था तो नहीं मालूम होगा। जैसे 19 है ना, 19 को आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, 101, इसका पावर जो है नीचे बेस में 2 लिखोगे, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर में आप कोई भी नंबर लिखोगे तो सिर्फ 0 और 2 होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों, इसका अगला भाग जरूर देखिएगा। ये था Part 1, Part 2 जरूर देखना, वीडियो में कमेंट करना। हम इसी तरह का आपको और भी 100 से अधिक फुल फॉर्म दिखाएंगे कंप्यूटर का। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अभी हम ट्रेन में हैं और ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है प्रतापगढ़, इसके बाद प्रयागराज पहुंच जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया।